हेलो फ्रेंड्स बिना की दुनिया में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ ये दो कलर का डोरमेट शेयर कर रही हूँ इसके लिए मैंने ये नौ नंबर की सिलाई ली है और दो कलर की मैंने ये ऊन ली है तो सबसे पहले फ्रेंड्स जैसे यहाँ से मैंने फंदे डालने के बाद बनाए हैं वैसे है मैं आपको यहाँ से बताऊँगी तो इसमें मैंने दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस फंदे, फंदे फर्स्ट कलर से डाले हैं आपका जो भी कलर होगा उसे बीस फंदे फर्स्ट कलर से डालने और पांच फंदे सेकंड कलर से डालने एक दो तीन चार पाँच फंदे डालने के बाद फिर उल्टी सिलाई से डिजाइन शुरू करना है तो ब्लैक कलर मैंने लगाया है इसे एक फंदा ऐसे उतार लेंगे और चार फंदे उल्टा बना लेंगे दो तीन चार पाँच टोटल ये पांच फंदे हो गए एक फंदा उतारा चार फंदे उल्टे बनाए फिर यहाँ इस धागे को ऐसे ले लेंगे क्रॉस करके इस साइड और इसको ऐसे लेके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह फर्स्ट कलर से बीस फंदे डाले थे तो अट्ठारह फंदे बुन लिए दो फंदे यहीं छोड़ देना है टू के मल्टीपल से फ्रेंट फंदे डालने जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बना सकते हैं टू के मल्टीपल से फंदे डालने के बाद तो अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो ये फंदे भी ज़्यादा रखने होंगे फिर इस साइड जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट कर लेना है बहुत ही आसान डिज़ाइन है और फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे फिर इस कलर को ऐसे पीछे किया इसको ऐसे क्रॉस करके इधर लेना है और इसको नीचे से ले कर ऐसे आगे कर देना है और बाकी फंदे ब्लैक कलर वाले ब्लैक कलर से बनाने हैं तो चार फंदे उल्टे बनाए इस फंदे को हर बार सीधी साइड से सीधा बुनना है तो सीधी साइड से इसे सीधा बुनेंगे और उल्टी साइड से इसे ऐसे बिना बुने उतार लेंगे तो एक फंदा ये हो गया ये पांच फंदे हमें ऐसे ही बनाने हैं दो तीन चार पाँच पांच फंदे बनाए फिर यहाँ धागे को क्रॉस करते हुए ऐसे लिया और इस धागे को ऐसे लेके बाकी फंदे, फंदे फर्स्ट कलर से बना लेने तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह की बार सोलह फंदे बनाए और दो फंदे फिर यहाँ छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को जो जैसा है वैसे ही बुन के कंप्लीट कर लेना है तो जाए ये उल्टी सिलाई में एक फंदा उतारा दो तीन चार पाँच पांच फंदे ब्लैक कलर वाले ब्लैक कलर से बनाए फिर यहाँ कलर चेंज करने तो इस धागे को ऐसे क्रॉस करके इधर ले लेंगे इसको ऐसे ले लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह फने फंदे बनाए दो फंदे यहीं छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में जो जैसा है वैसा ही बुन के कंप्लीट कर लेना है फिर से आज ये उल्टी सिलाई में एक फंदा उतारा एक, दो तीन चार पाँच फिर इस धागे को ऐसे क्रॉस करके इधर लेंगे इसको नीचे से लेके एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे उल्टे बनाए दो फंदे फिर यहाँ छोड़ दें और यहीं से वापस पलट के सिलाई में जो जैसा है वैसे ही बुन के कंप्लीट कर लेंगे फिर से उल्टी सिलाई में पांच फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे, तो एक फंदा ऐसे उतारा ये दो तीन चार पाँच और बाकी के फंदे इस कलर को ऐसे लिया और इसको आगे ला के इस कलर से बना लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे बनाए दो फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में जो जैसा है वैसे ही बुन के कंप्लीट कर लेंगे फिर से उल्टी सिलाई में एक फंदा उतारा ये दो तीन चार पाँच पांच फंदे ब्लैक कलर से बनाए फिर इस धागे को ऐसे क्रॉस करके इधर ले लेंगे और इसको नीचे से ऐसे लेके एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे बुने दो फंदे यहीं छोड़ छोड़े और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को जो जैसा है वैसे ही बुन के कंप्लीट कर लेना है फिर आ जाइए उल्टी सिलाई में एक फंदा उतारा दो तीन चार पाँच पाँच फंदे ब्लैक कलर वाले ब्लैक कलर से बनाए फिर यहाँ कलर चेंज करना है तो इस धागे को ऐसे क्रॉस करके ऐसे लेना है और इसको ऐसे नीचे से ऐसे लेना है ऐसे करने से फ्रेंड्स हमारा जॉइंट ये अच्छे से आ जाता है यहाँ पे गैप नहीं दिखता है दो ये तीन चार पाँच छ अब छः फंदे बनाए दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के इस सिलाई में जो जैसा है वैसे ही बुन के कंप्लीट कर लेना है इस धागे को ऐसे पीछे ले जाएंगे इसको ऐसे क्रॉस करके इधर लेंगे इसको नीचे से आगे ला के बाकी फंदे ब्लैक कलर वाले ब्लैक कलर से बना देंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बुनना है सीधी साइड में इस फंदे को सीधा बुनना है तो सीधी सिलाई में फ्रेंड जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उस कलर से सीधे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने हैं और इस फंदे को सीधा बुनना है फिर उल्टी सिलाई में पांच फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे एक उतारा दो तीन चार पाँच और फिर कलर चेंज किया एक दो तीन चार फिर दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट के चार फंदे पिंक कलर वाले पिंक कलर से बनाए दो तीन चार और पांच फंदे ब्लैक कलर से बनाने हैं एक दो तीन चार इस फंदे को सीधा बनाया पांच फिर उल्टी सिलाई में एक फंदा उतारा दो तीन चार पाँच अब यहाँ चार फंदे बचे हैं तो दो फंदे बुनने हैं और दो फंदे बिना अपने छोड़ देने और यहीं से वापस पलट के इन दो फंदों को ऐसे उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे किया ब्लैक कलर को ऐसे क्रॉस करते हुए आगे लाना है और ये फंदे ब्लैक कलर से बना देने हैं इस तरह फ्रेंड्स दो दो करके इस सारे फंदे यहाँ तक छोड़ दिए दो फंदे बचे इन्हें ऐसे ही रहने देंगे तो सारे फंदे यहाँ दो दो करके छोड़ दिए हैं अब इस सिलाई में क्या करना है ब्लैक कलर वाले फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे एक फंदा उतारा ये दो तीन चार पाँच और बाकी जो फंदे हमने छोड़े हैं इन्हें सारे इस सिलाई में कलर चेंज करके इस कलर से जो कलर है उसी कलर से उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेना है जो फंदे हमने छोड़े हैं सारे बुन लेने सीधी साइड जो फंदे जिस कलर से उस कलर से उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेने तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये कली यहाँ बन के कम्प्लीट हो गई है अब हमें क्या करना है दूसरी कली बनानी है दूसरी कली भी ऐसे ही बनानी है जैसे ये कली बनाई है केवल हमें कलर चेंज करना है तो पहले हमने कली में ये वाला कलर रखा और पट्टी में ब्लैक कलर रखा अब हमें क्या करना है ब्लैक कलर को यहाँ कली में लाना है और पिंक कलर को पट्टी में लाना है तो यहाँ पांच फंदे अब इस कलर से बनेंगे जो हमारा कली वाला कलर है उससे हम ये पांच फंदे बुन देंगे एक ये दो इस धागे को ऐसे ले लेंगे ये तीन और ब्लैक कलर को भी आगे लाना है चार और ये पांच पांच फंदे अब हमने इस कलर से बना लिए अब यहाँ ब्लैक कलर लगाएंगे और ब्लैक कलर से सारे फंदे उल्टे बुन के कंप्लीट कर लेंगे सारी कलियाँ हमें वैसे ही बनानी है केवल हमें कलर चेंज करते जाना है हर कली में इस सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट कर लेना है तो इस तरह फ्रेंड्स जैसे मैंने फंदे डालने के बाद आपको बताया था कि ये कली जैसे शुरू की थी वैसे ही यहाँ से शुरू करना है ये पांच फंदे ऐसे ही बनते रहेंगे और इधर दो दो फंदे हर उल्टी सिलाई में छोड़ते जाना है तो इस तरह जैसे ये कली है फ्रेंड्स वैसे ही बाकी की कलियाँ बनानी है तो मैं थोड़ा सा और बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक दो तीन चार पाँच छः कलियाँ कंप्लीट कर ली हैं तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ से बनाना बताया है फ्रेंड्स वैसे ही सारी कलियाँ बनानी हैं और बाकी कलियाँ बना के लास्ट वाली कली को यहाँ से इसके साथ ऐसे सिल देना है तो फिर हमारा ये डोरमेट कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेंड्स आप भी ये डोरमेट डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिजाइन कैसे लगा थैंक यू